हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेंजल होम आइडियाज़। फिर से एक न्यू वीडियो न्यू हाउस प्लान के साथ। इस हाउस प्लान में हम डिस्कस करेंगे 21 फीट इंटू 36 फीट का घर का नक्शा, जिसका एरिया है 756 स्क्वायर फीट, जो कि 84 गज होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीनों साइड अदर्स प्रॉपर्टी, ओनली फ्रंट ओपन है। इसमें वॉल साइज जो लिया मैंने वो 6 इंचेस लिया है। इस प्लॉट की चौड़ाई जो है वो 21 फीट है और लंबाई है 36 फीट। तो डिस्कस करने से पहले एक मेजरमेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर आप देख रहे हैं वीडियो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि नए नए वीडियो हर रोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ सेम कंटेंट से रिलेटेड। तो चलिए डिस्कस करते हैं हाउस प्लान की मेजरमेंट। तो एंट्री करते ही आपको काइंड ऑफ पॉर्च मिल जाता है, 8 फीट 6 इंचज वाइड आपको यहाँ पर एरिया मिल जाता है। इसी में स्टेयर का प्रोविजन रहेगा, 3 फीट स्टेयर स्टेप रहेगा, और 4 फीट वाइड आपको एंट्रेंस मिल जाता है यहाँ पर। आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पर ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया मिल जाता है। काफ़ी अच्छा साइज मिल जाता है इसका, 12 फीट 6 इंचज आपको यहाँ पर इसकी चौड़ाई मिल जाती है, और 12 फीट 6 इंचज आपको इसकी लंबाई। तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है इसमें, 3 सीटर सोफ़ा इजीली प्लेस हो जाएगा, साथ ही में डाइनिंग टेबल भी इजीली प्लेस हो जाएगी। इस सामने ही आपको देखने को मिल जाता है किचन का प्रोविज़न। इसका वेंटिलेशन चिमनी से होता रहेगा, और इसके साइज़ की बात करें तो 8 फीट 6 इंचज आपको यहाँ पर इसकी चौड़ाई मिल जाती है, और 8 फीट लंबाई। तो अच्छा खासा स्पेस इसमें किचन का मिल जाता है। इधर हम देखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है। फर्स्ट बेडरूम के साइज़ की बात करें तो 11 फीट चौड़ाई मिल जाती है और 13 फीट लंबाई। तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसका वेंटिलेशन जो है वो रोड साइड से होता रहेगा। साथ ही में इधर मिल जाता है आपको कॉमन बाथ प्लस टॉयलेट। काफ़ी अच्छे साइज़ के साथ कॉमन बाथ प्लस टॉयलेट मिल जाता है। 7 फीट चौड़ाई मिल जाती है और 5 फीट लंबाई। इसका वेंटिलेशन इस OTS से होता रहेगा। तो यहाँ पर OTS दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों साइड अदर्स प्रॉपर्टी है, तो वेंटिलेशन के लिए OTS दिया है यहाँ पर। और इसके साइज़ की बात करें तो 3 फीट चौड़ाई मिल जाती है और 5 फीट लंबाई। तो अच्छा खासा स्पेस में मिल जाता है। इसका वेंटिलेशन ड्राइंग डाइनिंग का भी इधर से ही होता रहेगा। साथ ही में इधर देखने को मिल जाता है वॉश बेसिन। इधर चलते हैं हम, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सेकेंड बेडरूम। तो अच्छा खासा स्पेस इसमें मिल जाता है। साथ ही में अगर इसके मेजरमेंट की बात करें तो 11 फीट चौड़ाई मिल जाती है और 10 फीट लंबाई। अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है इसमें। बेड, वार्डरोब, टीवी यूनिट इजीली प्लेस हो जाएगा, और साथ ही में इसका वेंटिलेशन इस OTS से होता रहेगा। तो गाइज, ये था पूरा हाउस प्लान। आई होप ये हाउस प्लान आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई हाउस प्लान बनवाया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाने की, अपलोड करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू हाउस प्लान के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।